गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिमिटिंग वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने हैं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो चेक किया था, एंड आफ्टर दैट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है ये चेक कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन मैंने दो प्रॉब्लम्स ट्राई करने को बोले थे, तो दो प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉब्लम था ये, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो और नॉट। ये जो फंक्शन है ये जेड इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो जेड इक्वल टू जीरो पे चेक करना है। तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ये सॉल्यूशन भेजा था, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द देम बोल रहे थे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट द आंसर इज जेड इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीन कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, द फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड कंडीशन, द लिमिट शुड एग्जिस्ट, उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज लिमिटिंग वैल्यू शुड बी इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम आना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बोलेंगे, वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। नाउ अगर हम पहले कंडीशन की बात करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फंक्शन जेड इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है। तो फंक्शन इज डिफाइंड एट z इक्वल टू जीरो। अब देख सकते हैं z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, फंक्शन का वैल्यू है जीरो। तो डिफाइंड क्वांटिटी जीरो जो है वो एक डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिमिट z टेंस टू जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई z स्क्वायर। ये फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, बस ये फंक्शन किसके लिए गिवन है, z नॉट इक्वल टू जीरो, तो z लेस देन जीरो भी हो सकता है, z ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है। तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या किया है, z टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे z के बदले जीरो रिप्लेस कर दिया। अब z के बदले जीरो रिप्लेस कर दिया तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यही किया है, z के बदले जीरो, तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी है, e टू द पावर इन्फिनिटी जीरो। बट ध्यान रखिएगा इस लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो नहीं है। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, किसी फंक्शन के अंदर अगर z स्टार रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n, इस टाइप के टर्म्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्या है, फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। इस टाइप का टर्म प्रेजेंट होने का मतलब है फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, ओके। और सिंस फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो हमें चेक करना पड़ता है लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है।
सो इस टाइप के फंक्शंस के लिए वी हैव टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट. ओके, हमने एक दो प्रॉब्लम्स डिस्कस भी किए थे. ठीक है, नाउ मैंने वहां पे बताया था कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जहां पे आपको लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो चेक करना होता है. मैंने वहां पे नहीं बताया था बिकॉज आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाएंगे. तो यहां पे ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. अब क्वेश्चन देखे कैसे समझेंगे जी आपको ये चेक करना जरूरी है. अब देखिए जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो यह आएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इसका सीरीज एक्सपेंशन हमें लिख सकते हैं. अब देखिए इसके जो सीरीज एक्सपेंशन है इस सीरीज एक्सपेंशन में कितने नेगेटिव पावर्स प्रेजेंट है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स. वन बाई जेड स्क्वायर, वन बाई जेड टू द पावर फोर, सारे तो नेगेटिव पावर्स ही है ना. तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स. हम बाद में ये डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. इस टाइप का जब सीरीज आता है इसका मतलब है फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी. जब सीरीज एक्सपेंशन में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी. एंड फॉर एसेंशियल सिंगुलैरिटी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और यहां पे जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है वो z इक्वल टू जीरो पे ही है और हमें z इक्वल टू जीरो पे ही लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी का एक प्रॉपर्टी है. जब हम पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लेंगे उसके बाद आप आसानी से ये बता पाएंगे फंक्शन देख के ही जो इसमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है. आपको ये लग रहा होगा सडनली कैसे हमारे दिमाग में आएगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया पूरा कॉम्प्लेक्स जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आप अपने आप ही बता पाएंगे फंक्शन देख के इसके अंदर एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रेजेंट है. ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जब एसेंशियल सिंगुलैरिटी प्रेजेंट होगा तो फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो लिमिट है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या बताया गया था? लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? व्हेन द लिमिटिंग वैल्यू इज पाथ इंडिपेंडेंट. जो लिमिटिंग वैल्यू है वो जब पाथ इंडिपेंडेंट होता है इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट करता है. लिमिटिंग वैल्यू अगर पाथ डिपेंडेंट हो जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. जब फंक्शन में एसेंशियल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करेगा तब जो लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट बन जाता है. रिपीटिंग, फंक्शन में जब एसेंशियल सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करता है तो लिमिटिंग वैल्यू पाथ डिपेंडेंट बन जाता है. कैसे चेक करेंगे? आसान तरीका है, देखिए सपोज इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन यहां पे जो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है हम किस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? z इक्वल टू जीरो, z टेंस टू जीरो बोला गया है ना. तो x इज रियल एक्सिस, y इज इमेजिनरी एक्सिस.
तो z इक्वल टू जीरो मतलब ओरिजिन की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ओरिजिन की तरफ अगर हम अप्रोच करें तो हम रियल एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं। ओरिजिन की तरफ अप्रोच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हैं, यहां पे मैं कुछ पर्टिकुलर पाथ्स की बात कर रहा हूं। तो z इक्वल टू जीरो इस पॉइंट की तरफ हम रियल एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं। अब रियल एक्सिस का मतलब हम लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम रियल एक्सिस की बात करें, तो रियल एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो। वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो है तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जीरो है रियल एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब है एज जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एक्चुअली एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, बिकॉज़ वाई तो जीरो ही है, तो रियल एक्सिस के अलोंग वाई जीरो है। सो वाई एक्सिस सॉरी रियल एक्सिस के अलोंग वाई जीरो है, तो जेड क्या हो जाएगा, एक्स। तो इफ जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो तो जेड जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जेड जीरो की तरफ अप्रोच करने का मतलब है एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, राइट से अप्रोच कर रहे हैं जैसे राइट हैंड लिमिट लिख रहे थे, और इसको लिखेंगे एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। ठीक है, नाउ रियल एक्सिस के अलोंग अप्रोच ना करके हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग। अगर हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग अप्रोच करें तो देखिए क्या चेंज होगा। अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, एक्स कितना है, एक्स इज जीरो। इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग एक्स कितना है, जीरो है। अब एक्स अगर जीरो है तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स जीरो है तो जेड क्या हो जाएगा, आयोटा वाई। तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्स जीरो है तो जेड हो जाएगा आयोटा वाई। ठीक है, इसका मतलब अलोंग इमेजिनरी एक्सिस एज जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड जीरो। जेड जीरो की तरफ अप्रोच करने का मतलब क्या है, वाई भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, दोनों के अलोंग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे अगर हम ऊपर से अप्रोच करेंगे, अगर हम ऊपर से अप्रोच करेंगे तो y क्या होगा, y इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो फ्रॉम पॉजिटिव जीरो, जीरो प्लस। और नीचे की तरफ से अप्रोच करेंगे तो y टेंड्स टू जीरो माइनस। जीरो माइनस का मतलब है लेस देन जीरो, और जीरो प्लस का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, जैसे हमने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में डिफाइन किया था। नाउ पहले इस पार्ट का कैलकुलेशन करते हैं। दिस अगर हम रियल एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। अब बताइए z के बदले क्या रिप्लेस कर सकते हैं, x, बस y तो जीरो है ना रियल एक्सिस के अलोंग, जो y है वो जीरो है तो z के बदले x आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल z के बदले x। नाउ आप बताइए x टेंड्स टू जीरो है तो वन बाई जीरो क्या होगा,
वन बाई जीरो इनफाइनाइट और एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। इसका मतलब जब हम रियल एक्सिस के अलग अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है? लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है जीरो। जब हम रियल एक्सिस के अलग अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर इमेजिनरी एक्सिस के अलग अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट जेड टेंस टू जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। नाउ इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग क्या जीरो होता है? जेड एक्स जीरो होता है। तो जेड टेंस टू जीरो के बदले क्या आएगा? वाई टेंस टू जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। तो लिमिट वाई टेंस टू जीरो ये देखिए आ जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस वन बाई वाई स्क्वायर। जो यहां पे आयोटा स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ओके। तो जब हम रियल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे थे, रियल एक्सिस के अलोंग क्या था? ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। माइनस आने की वजह से क्या हो रहा था? एक्स जब आप जीरो रिप्लेस कर रहे थे तो वन बाई जीरो इंफिनिटी और ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। लेकिन यहां पे माइनस साइन थोड़ी ना है, यहां पे क्या साइन है? प्लस साइन है। माइनस और आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस हो जाएगा। नाउ अगर आप वाई के बदले जीरो रिप्लेस करते हैं, वन बाई जीरो कितना है? इन्फिनिटी। वन बाई जीरो इन्फिनिटी बनेगा और ई टू द पावर इन्फिनिटी कितना बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो जब हम इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तब लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। जब रियल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू जीरो, जब इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट। इससे हम बोल सकते हैं जो लिमिटिंग वैल्यू है इज पाथ डिपेंडेंट। रियल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट आ रहा है, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो अलग रिजल्ट आ रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू इज पाथ डिपेंडेंट, सॉरी, और पाथ डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। पाथ डिपेंडेंट होने का मतलब है लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? होगा ही नहीं। लिमिट अगर पाथ लिमिटिंग वैल्यू पाथ डिपेंडेंट है तो लिमिटिंग वैल्यू पाथ डिपेंडेंट का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? आंसर इज नो, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस होने का सेकंड कंडीशन क्या था? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मींस ये लिमिट जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट। और सिंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता इसीलिए z इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन गिवन है इट इज डिसकंटिन्यूअस। जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, फंक्शन में जब एसेंशियल सिंगुलरिटी प्रेजेंट होता है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। एसेंशियल सिंगुलरिटी कहां पे था? z इक्वल टू जीरो पे, इसलिए z इक्वल टू जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एसेंशियल सिंगुलरिटी को चेक कैसे करना है इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।
there are different type of singularity, essential, non-essential, removable singularity, उसके बारे में हम discuss करेंगे. Basically ये essential singularity है, ये इस series से पता चलता है. ये जो series मैंने लिखा है ना, इसी को complex analysis में बोला जाता है Lorentz series expansion. और Lorentz series expansion में जब infinite number of negative powers होंगे तो उसको essential singularity बोला जाता है. This is the Lorentz series expansion about z equal to zero. और इसके अंदर infinite number of negative powers है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये essential singularity है. Essential singularity का ये characteristic है, ये series expansion में infinite number of negative power terms होंगे. ठीक है, तो नॉर्मली जो मैं एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात कर रहा हूं, तो मैं एक बार इसको जनरलाइज थोड़ा कर देता हूं. ये किस टाइप के फंक्शन को देख के आपको आइडिया लगेगा ये एसेंशियल सिंगुलरिटी है. एक्सपोनेंशियल प्लस और माइनस दोनों साइन हो सकते हैं, वन बाई जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एन साइन प्लस और माइनस वन अपॉन जेड माइनस z naught whole to the power n cos plus or minus 1 upon z minus z naught whole to the power n. इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं, इस टाइप के जो फंक्शंस आएंगे, इसमें z equal to z naught जो है वो essential singularity होगा. बिकॉज इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे, मैं लिख देता हूं, इस टाइप के टर्म्स का जब आप एक्सपेंशन करेंगे, जिसको हम Lorentz सीरीज एक्सपेंशन बोल रहे हैं. सो Lorentz सीरीज एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट z इक्वल टू z नॉट. विल कंटेन infinite number of negative powers of z minus z naught. इस टाइप के फंक्शन का अगर आप Lorentz सीरीज एक्सपेंशन करते हैं z नॉट के अबाउट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स होंगे z माइनस z नॉट के. अब जस्ट एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन का जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है वो यूज कीजिए, आपको पता चल जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म क्या रहा है. यहां पे n जो है इट इज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा n नेगेटिव नहीं है, n पॉजिटिव है. तो इस टाइप के सिंगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटी. तो z इक्वल टू z नॉट इज एन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट. सिंगुलर पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है. जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं. इस केस में z इक्वल टू z नॉट क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट. तो z नॉट पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. और चेक करने का तरीका जो बताया गया अभी, लिमिट जो है वो पाथ डिपेंडेंट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. तो इस तरीके से आप फंक्शन देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है,
तो एसेंशियल सिंगुलरिटी कैसे होगा ये ऐसे चेक करना है। किसने क्वेश्चन पूछा है एसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए क्या एक्सपोनेंशियल होना कंपलसरी है? नो, साइन कोसाइन है तब भी होगा। एसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए। एसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए सीरीज एक्सपेंशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने चाहिए, ठीक है? क्लियर? किसी ने क्वेश्चन किया है जी, अगर हम क्या यहां पे लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, अगर आपने एक्सपोनेंशियल का सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट लिखा और उसके बाद ये कैलकुलेट किया तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका कैलकुलेशन समझने में काफी मुश्किल होगा। अगर आपने सपोज ये जो एक्सपोनेंशियल साइन कोसाइन टर्म्स हैं इनका एक्सपोनेंशियल लिखा तो वो एक इनफाइनाइट सीरीज आएगा। अब वहां पे फिर आप एक्स के बदले जेड के बदले जीरो या एक्स के बदले जीरो रिप्लेस करेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज के कॉरिस्पोंडिंग कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है आप इस फंक्शन के अंदर ही वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। लॉरेंट सीरीज किसी ने क्वेश्चन किया है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन और जो नॉर्मल एक्सपेंशन है वो क्या सेम है? साइन कोसाइन का या एक्सपोनेंशियल का जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट किया जाता है तो उनका जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है वही यूज किया जाता है। साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल का जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है वही उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्यों बोला गया है? बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव पावर्स प्रेजेंट है। जब सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ पॉजिटिव पावर प्रेजेंट होता है तो वो पावर सीरीज एक्सपेंशन होता है, और जब उसके अंदर नेगेटिव पावर्स प्रेजेंट होते हैं तब उसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन सिर्फ बोला गया है बिकॉज इसके अंदर नेगेटिव पावर टर्म्स प्रेजेंट है। अदरवाइज लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल एक्सपेंशन होते हैं हम वही यूज करेंगे, ठीक है? मैंने जस्ट यहां पर यह चीज बताया है किसी भी फंक्शन के अंदर अगर ऐसा टर्म आता है, इस टाइप के टर्म्स अगर आपको दिखते हैं तो वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। अब देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज तो कर ही सकते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर ये है tan 1 by z, ये कुछ वेल नोन एग्जांपल्स है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं tan 1 by z। अब tan 1 by z का मतलब क्या है? sin 1 by z by cos 1 by z। तो आप देखिए इस फंक्शन के अंदर भी क्या ये फॉर्मेट नहीं बन रहा है साइन वन बाई जेड कॉस वन बाई जेड, जेड नॉट के बदले क्या है जीरो है, ऐसे टर्म तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है ना, जेड नॉट के बदले क्या है जीरो है। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे जेड इक्वल टू जीरो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो ऐसा नहीं आपको साइन कॉस फंक्शन में दिख जाएगा, टेन है तो टेन के अंदर भी तो साइन कॉस प्रेजेंट है, जो tan है उसके अंदर भी sin cos प्रेजेंट है तो ये भी एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। या कहीं पे सपोज cosec रहता है cosec 1 by z, तो cosec 1 by z भी क्या होता है 1 upon sin 1 by z, इसमें भी एसेंशियल सिंगुलरिटी आएगा, ठीक है? इस टाइप के फॉर्मेट दिखने चाहिए तो आप उसको एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल पाएंगे। बिल्कुल नहीं, जेड नॉट आपका जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, जेड नॉट आपका ऑलवेज जीरो होना जरूरी नहीं है। जेड नॉट जो है वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है,
ठीक है। तो z नॉट जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, दोनों के लिए ट्रू है। मैंने यहां पे बोला था एसेंशियल सिंगुलरिटी में जस्ट वैल्यू से पता नहीं चलता है, आप इसका लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जब आप ये कैलकुलेट करेंगे लिमिट z टेंस टू जीरो कोसेक 1/z। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/ लिमिट z टेंस टू जीरो साइन 1/z। अभी जो साइन 1/z, इसका लिमिट z टेंस टू जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। एसेंशियल सिंगुलरिटी में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही। एसेंशियल सिंगुलरिटी में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा ये फाइनाइट वैल्यू है या कुछ है। एसेंशियल सिंगुलरिटी में हम लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। और यहां पे नेगेटिव पावर का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, किसी ने क्वेश्चन किया है 1/z-z0 टू दी पावर n, इसका मतलब क्या है z-z0 टू दी पावर माइनस n, तो ये नेगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है, माइनस n है तो नेगेटिव पावर होगा, ठीक है। क्लियर है ये? ओके। किसी ने क्वेश्चन किया है व्हाट अबाउट साइन जेड, साइन जेड के एक्सपेंशन में क्या नेगेटिव पावर्स आते हैं? मैंने बोला एसेंशियल सिंगुलरिटी कब आएगा, जब नेगेटिव पावर्स आएंगे। साइन जेड के एक्सपेंशन में नेगेटिव पावर नहीं आता, पॉजिटिव पावर्स आते हैं, तो उसमें एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आने चाहिए तभी आएगा। ओके एनी अदर क्वेश्चन? So, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर क्या ये जो डिनोमिनेटर में 1/z के लिए ट्रू होगा क्या सिर्फ? किसके लिए? जब डिनोमिनेटर में 1/z आएगा जैसे एक्सपोनेंशियल में, साइन में या कोसाइन में, उसके लिए ट्रू होगा ये सिर्फ? ये मैंने ये क्या बोला था, अगर आप इसमें एक्सपेंशन में तो नेगेटिव पावर, इसको एसेंशियल सिंगुलरिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जब इस टाइप के टर्म्स होंगे तभी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स आ सकता है। केस में क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर होता है? जब डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स होंगे तभी आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसीलिए इसी टाइप के जो टर्म्स होते हैं उनके लिए एसेंशियल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पे मैंने 3-4 फॉर्मेट बताए हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कितने नेगेटिव पावर्स हैं, इनफाइनाइट है इसीलिए एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल जेड हो तो उसके लिए नहीं होगा? एक्सपोनेंशियल जेड में एक्सपेंशन में नेगेटिव पावर आते हैं? नहीं आता सर। नेगेटिव होना जरूरी है इनफाइनाइट नंबर, जिस एक्सपेंशन में सिर्फ नेगेटिव पावर हो उसी में होता है। दो या तीन नेगेटिव नंबर होगा तो नहीं चलेगा, इनफिनिट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर टर्म्स आने पड़ेंगे। ओके थैंक यू सर।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था show that log z is not continuous along negative real axis. जो log z है वो negative real axis पे continuous नहीं है. ठीक है, negative real axis का मतलब x less than 0. Negative real axis, तो real axis का मतलब क्या है, x, और negative real axis का मतलब है x less than 0. तो log z जो है वो x less than 0 के लिए continuous नहीं होगा. ये हम कैसे समझेंगे, देखिए log z जो है इसका अगर जैसे मैंने बोला था कुछ नहीं गिवन है तो प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहां पे भी हम log z के प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहे हैं. log z का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, log r प्लस आयोटा थीटा, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू. और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, log r जैसे होता है r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r इज द मॉडुलस. और थीटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. तो थीटा इज tan इनवर्स y बाई x. ठीक है, तो ये log z क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट करता है. नाउ आप देखिए ये जो log z का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ log z, ये क्या है, tan इनवर्स y बाई x. ये जो पार्ट है यही इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहे हैं. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज द इमेजिनरी पार्ट, tan इनवर्स y बाई x. नाउ लेट्स ड्रॉ द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन. यहां पे हम कॉन्टिन्यूटी कहां पे चेक कर रहे हैं, नेगेटिव रियल एक्सिस पे चेक करना है. तो नेगेटिव रियल एक्सिस इज दिस वन. हम यहां पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसी के ऊपर क्या है, x लेस देन 0. अब बताइए नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर x तो नेगेटिव है, y कितना है, 0. ठीक है, नाउ इस एक्सिस की तरफ हम ऊपर से भी अप्रोच कर सकते हैं, नीचे से भी अप्रोच कर सकते हैं. इसकी तरफ हम ऊपर से भी अप्रोच कर सकते हैं और नीचे से भी अप्रोच कर सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल. ठीक है, अगर हम ऊपर से अप्रोच करेंगे तो ऊपर की तरफ y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब y टेंड्स टू 0 प्लस. ऊपर की तरफ से अप्रोच करने का मतलब है y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, और नीचे से अप्रोच करने का मतलब है y नेगेटिव है, तो y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, बिकॉज नीचे y नेगेटिव है इसलिए 0 माइनस लिया गया, और ऊपर y पॉजिटिव है इसलिए 0 प्लस लिखा गया, बोल सकते हैं. ठीक है, ना अगर हम ऊपर से अप्रोच करें तो बताइए, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं इस फंक्शन का जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ log z, ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स y टेंड्स टू 0. y टेंड्स टू 0 का मतलब ही एंड x इज नेगेटिव. ठीक है, तो यहां पे बताइए इमेजिनरी पार्ट ऑफ log z क्या है, tan इनवर्स y बाई x. अगर हम ऊपर से अप्रोच करते हैं बताइए क्या होगा, ऊपर से जब अप्रोच करेंगे लिमिट y टेंड्स टू
जीरो प्लस और एक्स का वैल्यू नेगेटिव है. इन दिस केस ये लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? एक्स का वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू है और वाई इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो प्लस. टेन इनवर्स प्लस जीरो होगा या माइनस जीरो होगा? जो फंक्शन है टेन इनवर्स प्लस जीरो होगा या माइनस जीरो होगा? वाई क्या है? वाई है पॉजिटिव और एक्स क्या है? नेगेटिव. तो वाई बाई एक्स क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा. वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है तो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो आप बताइए ये बेसिकली क्या होगा? टेन इनवर्स माइनस नेगेटिव जीरो. इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स जीरो एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई. क्लियर है ये एवरीवन? टेन इनवर्स जीरो इज पाई और एक्स्ट्रा यहां पे माइनस साइन है. तो ये लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस पाई जब हम ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं. अगर हम नीचे से अप्रोच करें तो देखिए चेंज क्या होगा. लिमिट y टेंस टू जीरो माइनस x तो नेगेटिव ही है बिकॉज हम नेगेटिव रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं. टेन इनवर्स y बाई एक्स. इस केस में y क्या है? y है नेगेटिव और x भी क्या है? नेगेटिव. तो ये टेन इनवर्स प्लस जीरो आ जाएगा. y भी नेगेटिव है x भी नेगेटिव है तो y बाई एक्स पॉजिटिव होगा और क्या हो जाएगा? ये सिंपल प्लस पाई. तो जब हम ऊपर की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट का लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? माइनस पाई. और जब हम नीचे से अप्रोच कर रहे हैं तब लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? प्लस पाई. तो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. नॉर्मली जैसे नॉर्मल पॉलिनोमियल साइन कोसाइन की बात करते हैं तो जो लॉग जेड है उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी होता है, मतलब जो समझना थोड़ा ट्रिकी होती है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. किसी ने क्वेश्चन किया है जो हमने यहां पे लॉग जेड का इमेजिनरी पार्टी क्यों लिया है? अगर आप log z का रियल पार्ट लेते हैं तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगा. किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है उसका रियल पार्ट का लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट का लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए. रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे चेक करना चाहते हैं इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का एक कंडीशन है जो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. अब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? फंक्शन का जो रियल पार्ट है और फंक्शन का जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए. इनमें से किसी एक पार्ट का लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. इस केस में क्या है? जो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है इसका लिमिट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. रियल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिमिट एग्जिस्ट्स. लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. इसीलिए फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब है फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस. ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है टेन इनवर्स जीरो, जीरो भी तो हो सकता है.
आप ये बताइए जो नेगेटिव रियल एक्सिस है, नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर थीटा क्या जीरो हो सकता है? नेगेटिव रियल एक्सिस पे थीटा क्या जीरो हो सकता है? ये टेन इनवर्स जीरो हम जीरो लिखेंगे, यहां पे हम नेगेटिव रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे थीटा जीरो नहीं बन सकता। थीटा जीरो कहां पे बनता है? पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। थीटा जीरो बनता है पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां पे देखिए, ये एक स्टैंडर्ड थियोरेटिकल रिजल्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। लॉग जेड के केस में ये एक स्टैंडर्ड थियोरेटिकल रिजल्ट है, जो लॉग जेड जो फंक्शन है वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है। ये एज सच सडनली किसी के दिमाग में नहीं आया था, ये एक प्रॉपर थियोरेटिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप आया था। पहले जैसे रियल पार्ट चेक किया गया, फिर इमेजिनरी पार्ट चेक किया गया, तो देखा गया लिमिट रियल पार्ट के लिए तो एग्जिस्ट करता है बट इमेजिनरी पार्ट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है। अगर आपको लॉग फंक्शन दिखे तो वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर, लॉग जेड जैसे है तो वो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। ओके, क्लियर? इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए। हेलो सर, सर मींस हाउ टू नो दैट व्हिच पार्ट मींस वेदर द रियल पार्ट और द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द मींस क्वेश्चन और द प्रॉब्लम इज मींस द लिमिट ऑफ द रियल पार्ट और द इमेजिनरी पार्ट विल एग्जिस्ट आफ्टर हैविंग सीन द प्रॉब्लम और वी हैव टू डू द बोथ means we have to have you to check the both check, for real and imaginary. We have to check both parts. We have to check the both part and for real part the calculation is much easier. One check. Okay sir. Okay. Okay. You can see the problem is the difference in result comes due to the sign change, na? Plus minus sign. But in case of real part is x square plus y square, so it is negative or positive, square will be positive only. Real part में भी similarly हम पता करते हैं, real part में भी जैसे यहां पर हमने calculate किया दो अलग अलग real part में, अब देखिए जैसे मैंने यहां पर बोला पहले part में क्या था, y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और x, तो जब आप यहां पे रिप्लेस करें x का वैल्यू कुछ नेगेटिव है, वैल्यू कुछ पॉजिटिव है टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ, इसलिए मैंने टेन इनवर्स माइनस जीरो लिखा है बिकॉज वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव, और जीरो क्यों लिखा है बिकॉज जो न्यूमेरेटर में वाई है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो टेन इनवर्स माइनस जीरो जो माइनस पाई आ गया। नीचे क्या था, वाई नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, तो बताइए वाई एक्स अगर दोनों नेगेटिव है तो वाई बाई एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है, और सिंस वाई इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है, तो टेन इनवर्स प्लस जीरो क्या होगा, प्लस पाई। अगर आपको रियल पार्ट के लिए चेक करना है तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स के बदले आप ये रिप्लेस कर दीजिए log ऑफ दिस,
अब देखिए, अगर यहां पर क्या मैंने बोला, यहां पे y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, और इस वाले पार्ट में y नेगेटिव है और x नेगेटिव है। y आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, रियल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो x आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, y आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। जैसे इन दोनों में डिफरेंस किस वजह से आया, एक वाले एक पार्ट में y पॉजिटिव है और दूसरे पार्ट में y क्या है, नेगेटिव है। अब y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब हम ऊपर से अप्रोच करें या नीचे से अप्रोच करें, यहां पे जो ये y स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब सेम रिजल्ट आएगा। तो जब ये कैलकुलेशन आप रियल पार्ट के लिए करेंगे ये सेम रिजल्ट देगा, बिकॉज y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो y स्क्वायर विल गिव द सेम रिजल्ट। इस केस में y था इसीलिए डिफरेंट रिजल्ट आया था, बस y होने का मतलब पॉजिटिव में अलग रिजल्ट आएगा नेगेटिव में अलग रिजल्ट आएगा। अगर y स्क्वायर होता तो y आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बात एक ही है। तो सिंस यहां पे y स्क्वायर प्रेजेंट है तो जब आप रियल पार्ट के कॉरिस्पोंडिंग लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों लिमिट सेम आएंगे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वो आप y स्क्वायर वाले पार्ट से ही आइडिया लगा सकते हैं। हेलो सर। हाँ बताइए सर, जब अपन रियल पार्ट के लिए लिमिट चेक करेंगे उस टाइम अप्रोच क्या होगा, मतलब जैसे अगर रियल एक्सिस पे लेंगे तो किस तरह से अप्रोच होगा लिमिट लेने का, वो समझ में नहीं आया। रियल एक्सिस मतलब यहाँ पे टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बदले ये रिप्लेस कर देंगे। चलिए बताए, सपोज हम रियल पार्ट के लिए चेक कर रहे हैं, लिमिट वाई इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो और एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन हम रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो रियल पार्ट ऑफ लॉग जेड, तो लिमिट y tends to 0, x less than 0, और रियल पार्ट है जो अंडर रूट साइन है उसको पावर में 1/2 है तो उसको प्रोडक्ट में लिख दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम ऊपर से अप्रोच करते हैं, ऊपर से अप्रोच करने का मतलब है y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो y is tending towards 0 from a value greater than 0, तो 1/2 अब हो जाएगा सर। हो जाएगा आप सर, ठीक ओके सर। हेलो सर, सही सर, ये अगर लॉग जेट अगर साइन कॉस या किसी और फंक्शन के साथ कॉम्प्लिकेटेड हो, मतलब तो तब नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। लॉग जेट होगा तो डिसकंटिन्यूटी रहेगा, ठीक है सर। Excuse me सर। आप बताइए। सर आपने बोला था कि थ्योरेटिकली प्रूवन है कि नेगेटिव रियल एक्सिस में डिस्कंटीन्यूअस होता है। हाँ। सर हम पॉजिटिव में भी अगर इसी मेथड से सॉल्व करें तो भी तो वो डिस्कंटीन्यूअस ही आएगा ना? देखिए पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे तब भी आएगा, बट बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, ये -π/2π, जैसे हमने वो प्रिंसिपल ब्रांच की बात की थी ना, प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ जी सर। प्रिंसिपल वैल्यू में एक -π/2π लिया जाता है, उस में इसको रिलेट किया गया है। ओके। अगर आप पॉजिटिव क्या लॉन्ग लेते हैं तब भी एक 2π का डिस्कंटिन्यूटी आएगा, एक तरफ से जाएंगे तो 0, दूसरी तरफ से जाएंगे तो 2π दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो उसमें भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या किया गया है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में -π/2π है उससे रिलेट करने के लिए नेगेटिव रियल एक्सिस पे लिया गया है। ओके सर। बिकॉज़ यहाँ पे हम log z के प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। सर बट पॉजिटिव पे तो टेन जीरो होता है ना, मींस टेन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, तो हम लोग तो जीरो दोनों में जीरो ही आ जाएगा फिर, सकता है चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 2π भी तो हो सकता है सर, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे तो -π/2π तो फिर मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू केस में -π/2π और 0 to 2π जो है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है।
अगर आप पॉजिटिव रियल एक्सिस का लॉन्ग चेक करना चाहते हैं तो उसमें 0 to 2 pi है। ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन के केस में होता है, जब रियल एक्सिस को क्रॉस करता है तो एक 2 pi का डिस्कंटिन्यूटी आ जाता है। लेकिन वो चीज हम किसके लिए लेंगे, मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए, इसके लिए नहीं। यहां पे हम सिंगल वैल्यूड प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब उसको हम सिंगल वैल्यूड मान के चल रहे हैं, इसलिए हम माइनस पाई टू पाई सिर्फ नेगेटिव रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन में पहले ही बोला था ये फंक्शन जो है इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब इसको हम सिंगल वैल्यूड मान के चल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। जो किसी ने क्वेश्चन किया था, इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब जस्ट हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई माइनस पाई टू पाई इस रेंज की बात कर रहे हैं। नाउ जिसी ने क्वेश्चन ये कहा था हम पॉजिटिव के अलोंग भी चेक कर सकते हैं, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे तो वो 0 और 2 pi आएगा। तो जो 0 to 2 pi है वो कॉन्सेप्ट हम कब यूज करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच का, 0 to 2 pi कब यूज करते हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई के बदले 0 to 2 pi का यूज किया जाता है जब हम प्रिंसिपल सेकेंडरी ब्रांच मल्टीवैल्यूड फंक्शन डिस्कस करेंगे, तब जो डिस्कंटिन्यूटी लेंगे वो रियल पॉजिटिव रियल कर लेंगे। यहाँ पे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम नेगेटिव रियल एक्सिस के अलोंग डिस्कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। माइनस पाई से पाई में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक्स लेस देन 0 के लिए ले रहे हैं, मतलब हम माइनस पाई से पाई में एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्यों नहीं ले सकते सर? माइनस जैसे ये अभी ने किसी ने आंसर दिया था, यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए थीटा ऑलवेज क्या होता है, माइनस पाई टू पाई के रेंज में है। अगर आप इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं पॉजिटिव के लिए तो थीटा तो ऑलवेज इसी रेंज में आएगा ना, 2 pi तो नहीं आ सकता, 2 pi के इस रेंज के अंदर है? नो सर। तो उस केस में हम इधर से अप्रोच करें या इधर से अप्रोच करें, दोनों में ही 0 आएगा जब हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो 0 to 2 okay, मतलब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लें तो दोनों में सेम ही आएगा, 0 ही आएगा, तो हम नेगेटिव के लिए चेक करेंगे तो बिल्कुल। और यहां फंक्शन को सिंगल वैल्यूड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये काफी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इन दोनों में काफी सा कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली जो हम फंक्शन डील करते हैं उनसे दो रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट है, जो दोनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था जो एसेंशियल सिंगुलरिटी का था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये लॉग जेड के बारे में था। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। नाउ जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट पॉइंट, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस इन ए रीजन कैपिटल आर, देन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दैट रीजन। कोई फंक्शन किसी रीजन में कॉन्टिन्यूअस है, ये कब पॉसिबल है, जब वो फंक्शन उस रीजन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन उस रीजन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। सेकंड पॉइंट, देयर आर टू फंक्शंस एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड, इफ दिस टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये दोनों फंक्शन अगर जेड इक्वल टू जेड नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है, देन उन दो फंक्शन का जो सम या डिफरेंस है एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। उन दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और उन दो फंक्शन का जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पॉइंट पे, जेड नॉट पॉइंट पे। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एफ एंड जी,
दो फंक्शन अगर z इक्वल टू z नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उन दो फंक्शन का सम, दो फंक्शंस का डिफरेंस, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों का जो डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा. ओके बट एक चीज थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा, जब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये नॉन जीरो आना चाहिए. जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो नॉन जीरो आना चाहिए. ओके अगर g ऑफ z आपका जीरो होगा तब तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इफ ए फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, एक फंक्शन है u प्लस आयोटा v, u इज द रियल पार्ट, v इज द इमेजिनरी पार्ट, इज कॉन्टिन्यूअस एट z नॉट. कोई फंक्शन अगर z नॉट पे कॉन्टिन्यूअस है देन इट्स रियल पार्ट u एंड इमेजिनरी पार्ट v are also continuous at that point. Function किसी point पे continuous होने का मतलब है उसका जो real part और imaginary part है दोनों ही उस point पे continuous होगा. ठीक है. ये तीन point काफी important है, ये ध्यान रखिएगा. Basically ये properties है regarding the continuity of complex function. Clear है everyone? ओके तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन और हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट में जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी पार्ट डिस्कस किया था वो भी इंक्लूड होगा. ठीक है. बिकॉज फंक्शन जब तक आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब तक हम डिफरेंशियबिलिटी चेक क्यों करेंगे. फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है. तो डिफरेंशियबिलिटी हम कब चेक करते हैं, जब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है तब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं. ओके तो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में कैलकुलस में पढ़ा होगा. किसी भी रियल फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h. किसी भी रियल फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. और बेसिकली ये h क्या रिप्रेजेंट करता है, h रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x, h रिप्रेजेंट करता है चेंज इन x, x में कितना चेंज हुआ है, और न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा गया है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द फंक्शन. ठीक है. तो न्यूमरेटर में ये जो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन द फंक्शन, और h क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन x. और इसी लिमिटिंग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं. देखिए f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो इज इक्वल टू ऊपर क्या है, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड. एच के बदले क्या है, डेल्टा जेड. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द फंक्शन, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन जेड.
तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। तो रियल फंक्शन के लिए जैसे डेरिवेटिव को डिफाइन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी डेरिवेटिव को सिमिलरली डिफाइन किया जाता है। डिफरेंस सिर्फ यह है, रियल फंक्शन के लिए x रियल वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए z कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, बट डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वो सेम है। नाउ क्वेश्चन आता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हम समझेंगे कैसे? देखिए क्या लिखा गया है, द फंक्शन f ऑफ z विल बी डिफरेंशिएबल इन नेचर इफ द अबव लिमिट एग्जिस्ट। फंक्शन डिफरेंशिएबल नेचर का होगा अगर ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिटिंग वैल्यू अगर पाथ डिपेंडेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मैं इस लिमिट की बात कर रहा हूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और लिमिटिंग वैल्यू अगर पाथ डिपेंडेंट है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो हम बोल रहे हैं पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ क्या होना चाहिए? पाथ अलोंग विच डेल्टा जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। ठीक है, हमें ऐसा पाथ के अलोंग मूव करना है जिसके अलोंग डेल्टा जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो ये पार्ट ध्यान रखिएगा, सो पाथ अलोंग विच डेल्टा जेड इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंड प्लेन, सपोज दिस इज द पॉइंट z एंड दिस इज द पॉइंट z प्लस डेल्टा z। ठीक है, ये z प्लस डेल्टा z ये कहीं पे भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। नाउ आप देखिए, अगर आप इस पाथ के अलोंग अप्रोच करते हैं दिस पाथ, तो क्या डेल्टा z is approaching towards zero, ये condition satisfy करेगा? Suppose this point is A and this point is B, तो जो path AB है उसी के along ये condition satisfy करेगा delta z path BA। जब हम B point से A point की तरफ move करेंगे then delta z will approach towards zero। जब हम B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे, B पॉइंट पे डेल्टा Z का कुछ वैल्यू है, जब हम B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे तो डेल्टा Z जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। और हमें ऐसा ही पाथ चूज करना है जिसके अलोंग डेल्टा Z जीरो की तरफ अप्रोच करे। क्लियर? ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा हम इस तरीके से चेक करते हैं। तो नेक्स्ट एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पाथ डिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट कैसे चेक किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल, सपोज फंक्शन इज z to the power 4, ये फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन है z to the power 4, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला f dash z, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टुवर्ड जीरो
f of z plus delta z minus f of z divided by delta z. डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन करते हैं हम. अब यहां पे बताइए f ऑफ z का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको अगर हम यहां पे रिप्लेस करें, f ऑफ z प्लस डेल्टा z को हम लिख सकते हैं z प्लस डेल्टा z होल टू द पावर 4 माइनस f ऑफ z है z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा z. ठीक है, यहां पे a प्लस बी होल टू दी पावर 4 का फॉर्मूला यूज कीजिए. क्या होता है a प्लस बी होल टू दी पावर 4? z टू दी पावर 4 मतलब a टू दी पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ए जेड क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4. जस्ट हमने क्या किया है, ए प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला यूज कर दिया, लिखा है ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4 और माइनस साइन में क्या था, माइनस जेड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड. प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन, जेड टू द पावर 4 और ये जेड टू द पावर 4 कैंसिल करेगा, ऑपोजिट साइन है. जस्ट क्या कीजिए, जो डेल्टा जेड है इससे आप न्यूमरेटर का जो टर्म्स है वो टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दीजिए. न्यूमरेटर का जो टर्म्स है उसको डेल्टा जेड से टर्म बाय टर्म डिवाइड कर दीजिए. क्या आएगा देखिए, लिमिट डेल्टा जेड स्टेंडिंग टुवर्ड जीरो इट इज 4 जेड क्यूब प्लस 6 जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा जेड प्लस 4 जेड इंटू डेल्टा जेड होल स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड होल क्यूब. अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पे इस एक्सप्रेशन में डेल्टा जेड आया है तो यहां पे डेल्टा जेड किस तरफ अप्रोच कर रहा है, डेल्टा जेड जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. अब डेल्टा जेड जीरो की तरफ अप्रोच करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल है. अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू ड्रॉ द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज जेड, दिस इज जेड प्लस डेल्टा जेड. नाउ ये जो पॉइंट बी और पॉइंट ए है, इसकी तरफ बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल है. हम इस स्ट्रेट लाइन की तरफ भी से भी अप्रोच कर सकते हैं या किसी कर्व के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं. बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं और एक कर्व के अलोंग भी अप्रोच कर सकते हैं. लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए. अब बताइए, ये दोनों पाथ जो चूज किए गए हैं, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ चूज कर सकते हैं. दोनों के अलोंग डेल्टा जेड क्या है, इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो. डेल्टा जेड अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है ये जीरो बन जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा, 4z क्यूब. तो कोई भी पाथ आप चूज करो, रिजल्ट तो यही आएगा ना, 4z क्यूब. ये जो रिजल्ट है ये
पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, बस कोई भी पाथ चूज कीजिए, डेल्टा जेड इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, इसलिए जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट था वो जीरो बन गया और रिजल्ट क्या आ गया, 4z³, एंड दिस रिजल्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब किसी भी पाथ के अलोंग मूव करो यही रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। एनी डाउट प्लीज आस्क। ठीक है। हेलो सर, सर अगर रियल प्लेन में भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका जेड रेस टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव 4z³ भी आएगा, तो क्या हर वक्त ऐसा सेम रहेगा, ऐसा नेसेसरी है? हाँ, ये प्रॉपर्टी है, इफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन नेचर तो रियल फंक्शन के डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी वैलिड है। ओके सर। तो यहाँ पे हमने ये एफ डैश जेड कैलकुलेट किया और एफ डैश जेड कैलकुलेट करके देखा जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू, वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और पाथ पे डिपेंड ना करने का मतलब है लिमिट डज एग्जिस्ट, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है जो फंक्शन है जेड टू दी पावर 4 इट इज डिफरेंशिएबल इन नेचर। और इस कैलकुलेशन में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल हमने जेड लिख दिया है, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन नेचर For all points, इसका मतलब है this function is differentiable, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई particular point choose नहीं किया है, in general हमने z लिख दिया था, अब z कोई भी point हो सकता है, तो this function is differentiable at all points. In the finite complex plane. Z to the power 4 फंक्शन जो है ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है हम Z इक्वल टू इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, Z के सिर्फ फाइनाइट वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है Z इक्वल टू इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन नेचर। That means this function is differentiable at all points in the finite complex plane. इसने question किया है यहाँ पे क्या हमें continuity check करने का जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। Function differentiable आ गया तो continuity check करने का जरूरत नहीं है। Function differentiable है तो continuous तो होगा ही, ठीक है। Function differentiable है तो continuous तो होगा ही। Now, इसी को अगर हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं, जैसे यहां पर z टू दी पावर 4 था, z टू दी पावर 4 ना होकर अगर z टू दी पावर n होता है, वेर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो जैसे z टू दी पावर 4 के लिए कैलकुलेशन किया वैसे ही आप z टू दी पावर n के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखा जाता है z to the power n, this function is also differentiable in nature, where n is a positive integer. This function is also differentiable
एट ऑल पॉइंट्स। मैं एक चीज बता देता हूं, बिकॉज ये स्टेटमेंट हम कॉम्प्लेक्स में बहुत जगह पे यूज करेंगे। जब हम बोलते हैं ये समथिंग इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट का मतलब हम फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की ही बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया है। तो कहीं पे अगर लिखा रहता है डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, इसका मतलब इसके अंदर इनबिल्ट है जो ये सिर्फ फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की ही बात कर रहा है, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये फ्रेज लिखा रहे या ना रहे, एट ऑल पॉइंट्स का मतलब हम सिर्फ फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन की ही बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन, दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स। और डिफरेंशिएबल क्यों होगा, इस फंक्शन के लिए जब आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कौन सा लिमिटिंग वैल्यू, दिस वन, ये लिमिटिंग वैल्यू जब आप z टू द पावर n के लिए कैलकुलेट करेंगे तब लिमिटिंग वैल्यू पाथ इंडिपेंडेंट आएगा, और पाथ इंडिपेंडेंट आने का मतलब है फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इन नेचर। किसी ने क्वेश्चन किया है n यहां पे इवन इंटीजर ऑड इंटीजर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया है n अगर नेगेटिव है, n अगर नेगेटिव है इन दैट केस वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, n अगर नेगेटिव है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। मैं इस एग्जांपल से बता देता हूं, देखिए सपोज आपने एक फंक्शन चूज किया, इसमें नेगेटिव पावर्स हैं 1/z^4, ये नेगेटिव पावर ही है z^-4। अब बताइए z इक्वल टू जीरो पे क्या फंक्शन डिफाइंड है, एट z इक्वल टू जीरो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस होने का पहला कंडीशन था फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। तो नेगेटिव पावर अगर प्रेजेंट है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो z टू द पावर n, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब यह फंक्शन सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी ने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नेचर का है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नेचर का है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलस में जो फॉर्मूलेस पढ़ते हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड टू द पावर एन, ये डिफरेंशिएबल है, तो अगर आपको कहीं पे पूछा जाता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जैसे आप एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव ले लिए हैं तो जेड टू द पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन जेड टू द पावर एन माइनस वन। जैसे रियल फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूलेज है वही आप यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने ये चेक भी किया था, ये रिजल्ट वैलिड है। fz क्या था, fz था z टू द पावर 4, और जब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो डेरिवेटिव आ गया था 4z³। और ये फॉर्मूला रियल फंक्शन के लिए होता है। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो रियल फंक्शन के लिए डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूलेज कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी वैलिड होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कुछ देर बाद देखेंगे साइन जेड, कॉस जेड, एक्सपोनेंशियल जेड, ये सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। तो अगर साइन जेड का डेरिवेटिव पूछा जाता है तो कॉस जेड,
cos z का डेरिवेटिव पूछा जाता है तो माइनस साइन z। जैसे रियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव करेंगे, प्रोवाइडेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नेचर का होना चाहिए। ओके एनीवन, यहां पे मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव इंटीजर है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां पे मैंने किसी ने क्वेश्चन किया अभी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब है जब मैं ऑल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं तो इन पॉइंट्स में जेड इक्वल टू इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। ऑल पॉइंट्स का मतलब z का वैल्यू सिर्फ हम फाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं और फाइनाइट के लिए ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, z इक्वल टू इनफिनिटी के लिए ये प्रॉपर्टीज हम नहीं, इनफिनिटी के लिए अलग से चेक किया जाता है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है तब तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन आता है तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कैन बी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, होगा ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हैं? यहाँ पे मैं फ्रैक्शन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट थिंग पावर में अगर फ्रैक्शन होता है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, वैल्यूड फंक्शन के बारे में डिटेल्स में हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में। सिंपल तरीका समझने का जब फ्रैक्शन आएगा तो क्या दिक्कत है, सपोज आया z टू द पावर 1/3, सपोज ये फंक्शन है, पावर में क्या है फ्रैक्शन है, अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं f डैश z तो ये आएगा 1/3 z टू द पावर माइनस 2/3, तो होगा 1/3 z टू द पावर 2/3। अब बताइए ये जो डेरिवेटिव है f डैश z ये क्या z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है f डैश z इट इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0, और सिंस ये z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, डेरिवेटिव अगर डिफाइंड नहीं है तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आंसर इज नो, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0। तो पावर में अगर फ्रैक्शन है तब भी दिक्कत है, पावर में अगर फ्रैक्शन है तो डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, और डेरिवेटिव अगर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके सर, अगर हम डेरिवेटिव करने के बाद ये पावर पॉजिटिव बने फिर उसमें तो पॉसिबल हो सकता है ये फ्रैक्शनल पावर वाले की सभी पॉजिटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आप कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं fz सपोज आया z टू द पावर 3/2, अब इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे
तो यह आ जाएगा 3/2 जेड टू दी पावर हाफ। अब इसमें आपको लगेगा ये तो डिफाइंड है जेड इक्वल टू जीरो पे, इसमें पता क्या दिक्कत होगा, जैसे मैंने बोला था ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन तो डिफाइंड है बट इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नया प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो z के पावर में जब फंक्शन डिफरेंशियबल है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन रहता है तो वो डिफरेंशियबल नहीं होता है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या रियल फंक्शन के लिए भी ट्रू है? राइट, ये रियल फंक्शन के लिए भी आप सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा उसमें एक्स के जस्ट रियल वैल्यूज होंगे, जैसे यहाँ पे जेड का कॉम्प्लेक्स वैल्यू है उसमें जस्ट हम रियल वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे 1/x है तो 1/x क्या x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है, 1/x x क्या नेगेटिव पावर्स है, तो 1/x जो है वो x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू जीरो पे वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं हो सकता। ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो, हाँ बताइए सर, ये लास्ट वाला बताना एक बार दोबारा से, अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो z टू दी पावर 1/2, तो आपको लग सकता है ये z टू दी पावर 1/2 इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है। जी सर, अब डिफाइंड होने का मतलब थोड़ी ना है जो डिफरेंशियबल होगा, लिमिट भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे जस्ट हम बोल रहे थे डिफाइंड नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ पे डिफाइंड हो गया तो डिफाइंड होने के बाद क्या चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसलिए फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। ओके, तो मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ विद नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। हेलो सर, हाँ बताइए सर, फ्रैक्शनल पावर के लिए ऑलवेज डिफरेंशियबल नहीं होगा? फ्रैक्शनल पावर के लिए ऑलवेज डिफरेंशियबल नहीं होगा। यहाँ पे मैं डिफरेंशियबल की जो बात कर रहा हूँ ये किस सेंस में बोल रहा हूँ, जो किसी ने भी क्वेश्चन किया था, जब पॉजिटिव इंटीजर पावर है, ये चीज और ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूजन ना हो, जब पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो वो ऑल पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, जब नेगेटिव इंटीजर पावर होगा या फ्रैक्शनल पावर होगा तो वो ऑल पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, मतलब कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता, ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन जब पॉजिटिव इंटीजर है तो फंक्शन सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल है, एट ऑल पॉइंट्स इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन फंक्शन इज डिफरेंशियबल व्हेन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बट व्हेन एन इज ए नेगेटिव इंटीजर, एन जब नेगेटिव इंटीजर है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जब फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। सिमिलरली जब पावर फ्रैक्शन में आएगा तब भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर पावर है
फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स. जब नेगेटिव इंटीजर पावर है या फ्रैक्शनल पावर है देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स. फंक्शन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब पावर में नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन आ जाएगा. जैसे यहां पे कौन सा पॉइंट है, ये z इक्वल टू जीरो. z इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है तो क्या कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? राइट, मल्टी वैल्यूड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पर्टिकुलर पॉइंट्स. आप कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन ले लीजिए, वो सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर आएंगे जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते. कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर आएंगे जिसमें वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके, जैसे ये जो एग्जांपल था z टू द पावर 1 बाई 3 या z टू द पावर 3 बाई 2, इसमें z इक्वल टू 0 था. सपोज अगर ये फंक्शन होता f ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट z माइनस 3, मतलब z माइनस 3 होल टू द पावर 1/2. सपोज ये होता तो आप चेक करके देखिए, ये फंक्शन z इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो ये भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और ये सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा. सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 3. ठीक है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में मूव कर रहा हूं. प्लीज चेक ये फंक्शन f ऑफ z इज इक्वल टू z स्टार, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z या z बार, ये एनालिटिक है या नहीं है, सॉरी डिफरेंशिएबल है या नहीं है. दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. प्लीज चेक, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का जो तरीका बताया गया था वो यूज कीजिए. f डैश z इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f z डिवाइडेड बाय डेल्टा z. डेरिवेटिव को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. नाउ यहां पर f ऑफ z क्या है, z बार, तो लिमिट डेल्टा z टेंडिंग टुवर्ड जीरो क्या आएगा, ये z प्लस डेल्टा z होल स्टार माइनस z स्टार डिवाइडेड बाय डेल्टा z. ठीक है, नाउ यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर में क्या आएगा, z स्टार प्लस डेल्टा z स्टार माइनस z स्टार डिवाइडेड बाय डेल्टा z. तो यहां पे जो z स्टार और माइनस z स्टार है ये दोनों कैंसिल करेंगे तो देखिए बेसिकली क्या आएगा, लिमिट
डेल्टा जेड क्या होगा, जेड क्या होता है, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो डेल्टा जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड का मतलब है चेंज इन जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो डेल्टा जेड को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। Just one second. तो डेल्टा जेड यह है, तो डेल्टा जेड के बदले क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और ऊपर क्या है डेल्टा जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो डेल्टा जेड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई। और डेल्टा जेड टेंस टू जीरो के बदले होगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन, डेल्टा जेड कैलकुलेट कर लिया, फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नाउ क्या बताया गया था, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब रिजल्ट पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन, सपोज दिस इज द पॉइंट z एंड दिस इज द पॉइंट z प्लस डेल्टा z। अब जैसा बताया गया था, जो b पॉइंट और a पॉइंट है, b पॉइंट से a पॉइंट तक आने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ अवेलेबल है, स्ट्रेट लाइन पाथ भी अवेलेबल है और कर्व भी अवेलेबल है। तो सपोज हम इस स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ इस स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो इफ वी मूव अलोंग बी टू ए, तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा जेड विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो। नाउ लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, थोड़ा सा मैंने इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो किसमें रिप्लेस कर देंगे, वो रिप्लेस कर देंगे इस लिमिट में, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है बताइए, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो डेल्टा y क्या होगा, m डेल्टा x, c तो कांस्टेंट है। ठीक है, दिस प्लस सॉरी डेरिवेटिव बेसिकली किया गया। तो यहां पे ये रिप्लेस कीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के बदले क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई के बदले एम डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। यहां पे डेल्टा वाई लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज डेल्टा वाई को हमने डेल्टा एक्स के टर्म्स में चेंज कर दिया है। नाउ अब देखिए, ऊपर नीचे डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा और कॉमन जाने के बाद रिजल्ट आएगा वन माइनस आयोटा एम डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा एम, और ये रिजल्ट m पे डिपेंड करता है, और m पे डिपेंड करने का मतलब है इट इज पाथ डिपेंडेंट। m क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगर स्लोप चेंज करेगा तो रिजल्ट भी चेंज करेगा। ठीक है, तो रिजल्ट m पे डिपेंड करता है, मतलब स्लोप पे डिपेंड करता है, और स्लोप पे डिपेंड करने का मतलब है वो पाथ डिपेंडेंट है। हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है z स्टार,
it's not differentiable. So this is not differentiable at all points in the finite complex plane. ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, क्लियर? इसमें किसी को क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है. सर, आपने जो एक बात कही थी पीछे, सो मतलब जो नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स हैं उसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ओके सर. जैसे पॉजिटिव इंटीजर पावर है तो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बट नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सर, ये जो हमने डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स पुट करने से पहले वाली जो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें अगर हम लोग अलोंग रियल एक्सिस और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस करके कर रहे हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या? इसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं क्या? जी सर. हाँ सर. हाँ, ये जो डेल्टा वाई इज़ इक्वल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. उसमें क्या होगा, जब आप रियल एक्सिस को अलोंग मूव करेंगे तो वन वैल्यू आएगा और इमेजिनरी को कॉलिंग करेंगे तो माइनस वन आएगा. यस सर. ठीक है, लाइन ले लिया है सर. हाँ बताइए सर. को इसका मतलब है कोई अगर फंक्शन कंटीन्यूअस या डिफरेंशिएबल है और उसका हम अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले जाते हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा? नहीं. तो इसके पीछे कोई मतलब लॉजिक है क्या सर? उसके बीच में कुछ लॉजिक है, मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, मतलब जैसे आप बोलते हैं जेड डिफरेंशिएबल है तो सर वो भी तो किसी जेड प्राइम का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना? बात वो तो डिपेंड करता है आपका ये पाथ, ये जो आप रीजन पूछ रहे हैं, रीजन ही तो हमने डिराइव किया जो पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है. वो जेड प्राइम का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है लेकिन उसका सिंपल फॉर्म तो जेड ही है ना. हाँ, तो मतलब ऐसा है कि हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो और अगर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देते हैं तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, और ऐसा कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है और उसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा? नहीं, जो सेकंड स्टेटमेंट बताया वो सही नहीं भी हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहेगा ना? स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता है. ओके सर. सर, हेलो सर. हाँ बताइए. सर, जैसे डेड स्टार के लिए सॉल्व किया है ये, और इसमें जो आपने ग्राफ बनाया सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी जब आयोटा वाई है. थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मुझे क्लियर नहीं. सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने ये डेड स्टार के लिए सॉल्व किया है और एक ग्राफ बनाया है, तो सर ये जो ग्राफ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनना चाहिए क्योंकि ये आयोटा वाई नेगेटिव है. आयोटा वाई नेगेटिव सर, जेड स्टार एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा ना. हाँ सर, वो वाई नेगेटिव है ना, उसमें तो बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बना सकते हैं ना इसको, मतलब जेड स्टार है. पाथ आप कहीं पे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके सर. यहाँ पे जो है ये पॉइंट, ये तो ना, यहाँ पे हम जेड स्टार को प्लॉट थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका चारों क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकता है. नॉर्मली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करते हैं बट ये कहीं पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके सर. ओके, हेलो. हाँ बताइए.
सर आपने कल बोला था लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए वो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन के लिए चेक कर रहे हैं सर और वो पाथ इंडिपेंडेंट आ जाता है तो कर्व के लिए कैसे चेक करेंगे सर इसी फंक्शन में? कोई दूसरा कर्व ले लीजिए जैसे पैराबोला का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन। तो सर इस फंक्शन में कैसे पुट करेंगे वैल्यू डिनोमिनेटर में? अगर y स्क्वायर है सपोज, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, सपोज y इक्वल टू है cx स्क्वायर, तो डेल्टा y के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? c 2x। ये रिप्लेस करेंगे। अच्छा ओके सर। हेलो हेलो सर बताइए। सर जैसे हमने इस क्वाड्रेंट में ए और बी पॉइंट बनाए हुए हैं और जिनके कोऑर्डिनेट जेड और जेड प्लस डेल्टा जेड है, और सर हमने लिखा यहाँ पर कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, तो सर इसका मतलब तो ये है ना कि ए एंड बी पॉइंट आर क्लोजेस्ट एज मच एज पॉसिबल। पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, हम अलग है लेकिन बट क्लोज एज मच एज पॉसिबल व्हेन डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। आप बोल सकते हैं ये डेल्टा जेड जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। यस सर। तो सर हम इसमें हम हमेशा ओरिजिन के साइड ही मतलब इसको एरो बना के क्यों लेते हैं, तो मतलब इसका ओरिजिन से क्या मतलब है सर इसमें? ओरिजिन के साइड में मतलब समझा नहीं। मतलब हम हमेशा एरो बनाते हैं ना सर कि मतलब आप बी से ए बना रहे हैं तो ओरिजिन की तरफ बना रहे हो, तो इसमें कुछ है क्या सर इसका ओरिजिन के साइड? तो जेड मान के इसको जेड प्लस डेल्टा जेड मान लीजिए, एरो सर नहीं पड़ता। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर जैसे मतलब डेल्टा जेड तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। वही ना वही वही। हाँ हाँ। तो कोई भी अगर एक पॉइंट जेड है तो उसके अगर एवरी डायरेक्शन में हम डेल्टा जेड लेंगे तो जेड के अलोंग एक सर्किल बन जाएगा सर जिसका रेडियस डेल्टा जेड होगा, वो मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन को शो करेगा जहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो हर पॉइंट जेड के लिए अलोंग द सर्किल मतलब वो सर्किल के अंदर ही पॉइंट डिफरेंशिएबल होगा। मेरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हुआ है चीज, आपने डेल्टा डिस्टेंस सर जेड कोई एक पॉइंट है। हेलो हाँ जेड कोई एक पॉइंट है, अगर हम डेल्टा जेड को मतलब स्मॉलेस्ट मानेंगे और डेल्टा जेड का डायरेक्शन तो आर्गेंट प्लेन में कुछ भी हो सकता है, तो हम एवरी डायरेक्शन को अगर कंसीडर करेंगे तो कितना रीजन में वो डिफरेंशिएबल होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास एक सर्किल आता है ना, तो सर्किल के अंदर ही जेड मतलब डिफरेंशिएबल हो सकता है। ओके लेकिन यहाँ पे आप किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? कोई भी एफ ऑफ जेड अगर हो मतलब वो एक सर्किल के अंदर ही डिफरेंशिएबल होगा। ये ठीक है, और वो जो सर्किल नहीं एक डिफरेंशिएबल होगा। हाँ सर्किल के अंदर ही होगा ना क्योंकि डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो बोला है, उससे अगर डेल्टा जेड बड़ा हो जाता है तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मुलेट हुआ है सही होगा क्या? जैसे आप एक पर्टिकुलर जेड की बात कर रहे हैं हाँ, उस डेल्टा जेड है हाँ, ये फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में कुछ भी हो सकता है ना। मतलब सर अगर डेल्टा जेड ही माने तो डेल्टा जेड रेडियस के हिसाब से चारों ओर होगा ना सर, क्योंकि सर ये ना शायद ऐसे बोल रहे हैं कि जेड के नेबरहुड में जैसे हम देखते होते हैं जेड के नेबरहुड में देखते होते हैं तो वो नेबरहुड बहुत स्मॉल लेते हैं हम एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो नेबरहुड बहुत बड़ा हो गया अगर एप्सिलॉन से बड़ा चला गया तो फिर वो क्या होगा आप? यहाँ पे डेल्टा जेड जो है काफी स्मॉल क्वांटिटी है और जैसे मैंने जेड यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन, तो जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे मैंने जो जेड लिया है वो कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये जेड कैन बी एनी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर डेल्टा जेड बड़ा होता है तो ये फॉर्मुलेशन फिट नहीं होगा ना। जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं उसमें मान के चलते हैं डेल्टा जेड इज अ स्मॉल चेंज। ओके तो उसका एक नेबरहुड डिफाइंड होगा हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट का जिसके अंदर वो डिफरेंशिएबल होगा। जब हम ईच एंड एवरी पॉइंट पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन को, जब हम ईच
एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, तो उस पॉइंट के अबाउट एक हम स्मॉल सर्कल बात करते हैं जिसका रेडियस डेल्टा जेड है। तो सर जैसे आप बोले कि ये स्मॉल सर्किल के अंदर डिफाइंड है, और आप ऐसे भी फंक्शन बोले जो चारों ओर डिफरेंशिएबल है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे चेक कर दिया हमने एट रैंडम, तो फिर हमने मान लिया कि एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है तो सब पे होगा। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो अब ईच एंड एवरी पॉइंट के अबाउट एक छोटा छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ही पॉइंट है और कोई पॉइंट होगा। सपोज आप जेड इक्वल टू वन पे चेक कर रहे हैं तो आप वन बनाएंगे, जेड इक्वल टू फाइव पे चेक कर रहे हैं तो जेड इक्वल टू फाइव के अबाउट सर्कल बनाएंगे। तो जब हम बोल रहे हैं ऑल पॉइंट्स, तो ऑल पॉइंट्स मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कल्स होंगे। आप जो बोल रहे हैं वो एक पॉइंट है, हम यहाँ पे एक पॉइंट पे थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, हम सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो Z बार और Z स्टार है दोनों सेम ही है और ये डिफरेंशियबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे, ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होता बिकॉज जो रिजल्ट है लिमिटिंग वैल्यू है वो पाथ डिपेंडेंट आ रहा है। ओके नाउ ये जो हमने डिफरेंशियबिलिटी चेक किया इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट, इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, इट कैन नॉट बी डिफरेंशियबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल भी नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल होगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ओके थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी बताया, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन नेचर, जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है, देन द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर ए रियल फंक्शन आर ऑल्सो वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो रियल फंक्शन के लिए जो डिफरेंशिएशन के रूल्स है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी वैलिड है। फोर्थ पॉइंट, हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ जेड एंड जी ऑफ जेड। इफ दिस टू फंक्शंस आर डिफरेंशियबल एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, दोनों फंक्शन अगर जेड इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशियबल है, देन उन दोनों फंक्शन का सम और डिफरेंस डिफरेंशियबल होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंशियबल होगा, उन दोनों का जो डिविजन है वो भी डिफरेंशियबल होगा। और डिविजन के केस में एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो बन गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था जेड स्टार या जेड बार जो होता है वो डिफरेंशियबल नहीं होता, जेड स्टार या जेड बार डिफरेंशियबल नहीं होता। तो यहां पर क्या बताया गया, देखिए, सिंस जेड बार इज नॉट डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो जेड बार फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं होता है। इसकी वजह से एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड बार,
मतलब z बार का कोई भी फंक्शन हो वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो z बार डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन ऑफ z बार भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल ऑन दिस सपोज आपके पास फंक्शन है साइन ऑफ z स्टार, ये बेसिकली किसका फंक्शन है, ये बेसिकली z स्टार का फंक्शन है साइन ऑफ z स्टार। तो इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। z स्टार डिफरेंशिएबल नहीं है तो z स्टार का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सपोज ये फंक्शन है x माइनस आयोटा y प्लस 5 होल टू दी पावर 20। अब इसके लिए एक्चुअल कैलकुलेशन करना काफी मुश्किल है, अगर आप चेक करना चाहते हैं डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आसान तरीका है x माइनस आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, z स्टार, x माइनस आयोटा वाई को z स्टार प्लस 5 होल टू दी पावर 20। तो ये किसका फंक्शन हुआ, ये z स्टार का फंक्शन है, और सिंस ये z स्टार का फंक्शन है तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन नेचर। तो कोई भी फंक्शन जो z स्टार का फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके क्लियर। नाउ कुछ देर पहले क्या बताया गया, z टू द पावर n, n जब पॉजिटिव इंटीजर है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। जो z टू द पावर n है वहां पे n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, z टू द पावर n इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। देयरफॉर एनी फंक्शन ऑफ दिस फॉर्मेट, कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का होगा वेर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहां पर x नहीं होगा z, लेट्स करेक्ट दिस, z टू द पावर k, a k इंटू z टू द पावर k। तो z टू दी पावर n डिफरेंशिएबल है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है वहां पे k एक पॉजिटिव इंटीजर है ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दीजिएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सपोज आपके पास एक फंक्शन है z टू दी पावर 10 प्लस 5 z टू दी पावर 6 प्लस 8z माइनस 7। अब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है बताना है। अगर आप इसके लिए और एक्चुअल कैलकुलेशन करने जाए वो काफी मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन सिंस ये फंक्शन इसी फॉर्मेट का है जो लिखा गया है, a के कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इन नेचर। इसके अंदर z के पॉजिटिव इंटीजर पावर्स हैं, इस फॉर्मेट का है ये, इस फॉर्मेट को चेक करना है। सपोज ये रहता x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy प्लस 10 होल टू दी पावर 10। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये बताना है। एनीवन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट।
x square minus y square plus 2 iota xy plus 10 whole to the power 10. This is differentiable. आप देखिए ये जो टर्म है x square minus y square plus 2 iota xy, ये basically z square ही तो है, ये पहले डिस्कस किया गया था. तो z square plus 10 whole to the power 10. ये जो x square minus y square plus 2 iota xy है, ये z square ही है. ये होगा z square plus 10 whole to the power 10. इसका अगर आप binomial expansion करते हैं, इस फंक्शन का अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, वो इसी फॉर्मेट का तो आएगा. तो ये फंक्शन भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल. एंड फाइनली अगर इस टाइप के टर्म्स होते हैं, ई टू द पावर जेड माइनस जेड, ई टू द पावर जेड साइन जेड, cos z, इस टाइप के फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होंगे. क्यों? अगर आप इन फंक्शन का एक्सपेंशन करते हैं तो यही फॉर्मेट बनेगा. e टू द पावर z, e टू द पावर माइनस z, इन सब का आप एक्सपेंशन कीजिए, इसी फॉर्मेट का आता है जो यहां पे लिखा गया है. तो ये सारे फंक्शंस क्या है? डिफरेंशिएबल नेचर के हैं. चेक करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से आंसर बता सकते हैं. कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्मेट का है वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल नेचर का होगा, ऑलवेज. ठीक है, ध्यान रखिएगा के पॉजिटिव इंटीजर है, ये पावर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए. पावर में क्या आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर आएगा तब भी प्रॉब्लम है, और फ्रैक्शनल पावर आएगा तब भी प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? ये हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था. ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है. So can you give an example of in continuous function which is not differentiable? Continuous function which is not differentiable. Mod x. Okay. This function is continuous at x equal to 0, but not differentiable at x equal to 0. ये continuous तो है, but differentiable नहीं है. तो कोई function अगर continuous है, differentiable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. Hello. एक बात बोलनी थी आपको. हाँ बताइए. आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम सबको इनफैक्ट. एंड सर, जो डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी आपने जिस वे में हमें समझाई है, इतना हमने स्कूल में भी कभी नहीं सीखा था सर. एंड ओवरलैपिंग इंटीग्रल के बारे में पढ़ा जरूर था, लेकिन सही मीनिंग एटलीस्ट मुझे तो आपसे पता लगा सर. एंड सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कोई भी टॉपिक करवाते हो, सबसे पहले आप उसके बेसिक के ऊपर बात करते हो, वरना इस लेवल पे अगर हम कहीं पे भी पढ़े तो सभी ये बोलते हैं ये तो आपको आता ही है, और वो एज्यूम कर लेते हैं, कभी हमारा बेसिक नहीं क्लियर करते सर. यस सर. एंड सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर एक स्टूडेंट का आप छोटे से छोटा अनवांटेड डाउट भी कंसिडर करते हैं. और सर, मुझे और मतलब मैं ये बोलूंगी, हम सबको आपसे पढ़ने का सौभाग्य, मतलब मौका मिला, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सर. थैंक यू सो मच सर. मुझे भी अच्छा, कोई भी स्टूडेंट हो पढ़ा के अच्छा लगता है. और थैंक यू फॉर दिस काइंड वर्ड्स.
सर एक एक चीज आप इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हो कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, टाइम टू टाइम क्लियर हो जाता है हमें। यस सर, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सभी। एक ऐसा जैसे क्लियर नहीं होता तो हमारे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते। जी सर, एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम कमी प्रॉब्लम आती है हमें, आप साथ के साथ सॉल्व करवा देते हो उनको। यस सर, यस सर, तो बताइए और। थैंक यू सर। सर लास्ट वाला पार्ट जो बता दीजिएगा एक बार, सिर्फ वो नेट चला गया था। सो डिफरेंशिएबिलिटी से जो पहले पॉइंट्स बताए थे वो एक बार स्लाइड दिखा दो। ये नो सर, इससे पहले जो पॉइंट्स थे। इससे पहले यस सर, ये वाले। थैंक यू सर। हो गया सर, थैंक यू सर। सेकंड लास्ट स्लाइड देखा ना? हाँ, क्या रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? सेकंड लास्ट। सर इससे पहले, हाँ सॉरी। हेलो हेलो सर, सर कॉम्प्लेक्स में सर स्टेप फंक्शंस होता है क्या? स्टेप फंक्शंस? यस सर। जीरो एंड वन, ये स्टेप फंक्शन तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना। ये स्टेप फंक्शन का मतलब है फंक्शन का वैल्यू सडन जीरो से वन बन रहा है या जीरो से कोई कांस्टेंट वैल्यू बन रहा है, तो ऐसे फंक्शन डिफाइन करना पॉसिबल है। बट वो सिर्फ जैसे नॉर्मल 1D स्टेप फंक्शन है वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। इसको यू कैन से सरफेस की तरह हम सोच सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर सरफेस पे फंक्शन का कुछ वैल्यू है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सडनली सरफेस मतलब फंक्शन का वैल्यू चेंज हो गया तो हम एक डिफरेंट सरफेस पे पहुंच गए। सर समझ नहीं आया सर। The fz is equal to 1, थोड़ा सा इसको मतलब आप ऐसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन में फंक्शन का वैल्यू कुछ कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट वैल्यू को इससे रिप्रेजेंट किया, मतलब इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है इस रीजन। नाउ जब हम एक दूसरे रीजन में जाएंगे तो फंक्शन का वैल्यू सडनली चेंज होके C2 बन गया, डिफरेंट रीजन। एक डिफरेंट रीजन में फंक्शन का वैल्यू कितना है? C2। तो इस दो रीजन का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे फंक्शन में एक सडन चेंज है जैसे स्टेप फंक्शन में आता है। तो स्टेप फंक्शन में तो ऐसे ही होता है ना, जीरो टू सम वैल्यू या सी वन से सी टू। तो यहाँ पे एक लाइन नहीं होगा, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएंगे, तो ये भी लाइक स्टेप फंक्शन। सर अगर रियल पार्ट जीरो हो जा रहा है तभी? थोड़ा जोर से बोलिए क्या सर? रियल पार्ट अगर जीरो हो जा रहा है तभी? रियल पार्ट अगर जीरो है तो ये जो फंक्शन है, ये प्लॉट जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली आइदर हम उसके मॉडुलस का प्लॉट करते हैं,
जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्लॉट की बात करेंगे तो आइदर हम उसके मॉडुलस की प्लॉट करेंगे या रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करेंगे। तो अगर रियल पार्ट जीरो है तो इमेजिनरी पार्ट प्लॉट कीजिए। C1, C2 है, ये रियल पार्ट का वैल्यू भी हो सकता है या इमेजिनरी पार्ट का। मुझे किसी ने एक बार क्वेश्चन किया था जो इनका जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जब प्लॉट किया जाता है ना तो नॉर्मली ये तीन चीजें प्लॉट की जाती है। आइदर उस फंक्शन का मॉडुलस प्लॉट किया जाता है, या उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट प्लॉट किया जाता है। प्लॉट ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो अब जो बोल रहे हो, जैसे अगर किसी में रियल पार्ट जीरो बन जाए तो उसमें हम इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करेंगे। जी सर, ठीक है। हेलो सर। हाँ बताइए सर। एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर से सर। सर पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट वन सर। थोड़ा सा वेट कीजिए, फाइल कर रहा हूँ। पेज नंबर 57। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें इसको सॉल्व तो मैंने कर लिया, इसका आंसर आ रहा है x बराबर sin 2t। ओके हाँ, अब सर इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर है। उस हिसाब से आपने बताया था कि x की मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 हो सकती है क्योंकि sin फंक्शन का रेंज है वो -1 से +1 के बीच में आता है, राइट? बट सर इसमें अपन अगर ऐसे चेक करें, जैसे कोई भी साइन फंक्शन होता है जैसे y बराबर साइन x है, तो सर वो फंक्शन, अब जैसे इसमें साइन 2t है, x बराबर साइन 2t, तो अगर अपन t ग्रेटर देन पाई बाई 4 भी जाएंगे, जैसे ऐसे सच अपन वैल्यू t बराबर पाई बाई 2 लेते हैं, तो सर वो साइन पाई बनेगा ना, तो साइन पाई की वैल्यू सर 0 आ जाएगी ना, तो सर ऑलवेज ये पॉसिबल थोड़ी है कि t ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। नहीं नहीं, ये जो 1 वाला है वो अलग, ये ऐसे इंटरवल कैसे आया? जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले एक साइन इनवर्स एक्स आएगा ना। यस सर। तो साइन इनवर्स एक्स में जो उसमें साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/-π से +π तक होता है, -π/2 से +π/2 तक साइन इनवर्स। तो वहां से हमें पता चला था जो t का रेंज है वो -π/4 से +π/4 तक होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें आएगा, एज अ रिमेंबर, 2t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यस सर, यस सर। साइन इनवर्स x का रेंज कहां तक होता है? -π/2। यस सर, -π/2 से +π/2। 2t का रेंज क्या होगा? -π/2 टू +π/2। तो t कितना आ जाएगा? -π/4 से +π/4। राइट पार्ट दीदी, क्या रे नीचे तू जो आप सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो -π/4 से +π/4 तक है, तो बी या सी ऑप्शन है सर। इसका आंसर तो सी है, लेकिन सर टी ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए फिर अपन ऑलवेज वैल्यू इसकी 1 ले रहे हैं, तो सर इसको अगर अपन वैसे सोचे तो ये साइन फंक्शन है, तो सर टी ग्रेटर देन पाई बाई 4 के लिए वैल्यू 1 कैसे आ रही है सर? वो तो ठीक है सर, आप बोल रहे हो कि इंटरवल के हिसाब से डिफाइन है, या फिर इसमें अपन ऐसे सोच रहे हैं कि ऑप्शन अब यही है तो इसी को ही अपन टिक करेंगे बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से? वो इसलिए है बिकॉज साइन इनवर्स जो है वो पाई बाई 2 तक है ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब बताइए साइन उसके बाद वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स 1 है तो पाई बाई 2 है, तो ये जो 1 है ये बेसिकली जो फाइनल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई बाई 2 है,
तो यहाँ पे जब पाई बाई फोर रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा, वही वैल्यू उसके कंटिन्यू करेगा। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, वो तो ठीक है, अपन ने लिमिट निकाल ली, आप जो बोल रहे होगी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू टी है, उस हिसाब से अपन ने टी की लिमिट निकाल ली माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि जीरो से लेकर और पाई बाई फोर तक तो साइन टू टी फंक्शन रहेगा और उसके बाद ऑलवेज उसकी वैल्यू वन हो जाएगी। ओके लेकिन सर ये जो फंक्शन है एक्स बराबर साइन टू टी, अच्छा मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन अपन ने निकाला है तो वो सॉल्यूशन ही एक्चुअली टी पर माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ इसी रेंज वैलिड है। ओके ओके नाउ आई अंडरस्टैंड सर। और उसके बाद अपन ने फन मान लिया क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनी हो सकती है, हो सकती है, इसके बाहर ये साइन टू टी तो फंक्शन है ही नहीं। ओके उसके बाहर अपन ने फिर इसकी साइन की रेंज वन माइनस वन से वन होती है तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन मान ली, ऐसे बोल रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर वन क्वेश्चन मोर सर, सर वो मैंने कल आपको जो क्वेश्चन सेंड किया था जो मैंने आपसे पूछा था व्हाट्सएप पे 1 मिनट सर, कौन सा क्वेश्चन सर? वो जिसमें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन थी सर, एन बराबर जीरो पुट किया था। तो सर उसमें आपने बोला था कि फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन को अपन एक्सटेंडेड पावर सीरीज सॉल्यूशन बोलते हैं इसलिए इसका वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके सर अगर ये एन बराबर बाय चांस वन होता तो इसमें टू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते फिर पावर सीरीज सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि एक तो जे वन के लिए और एक जे माइनस वन के लिए। नहीं लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, वो दोनों इंडिपेंडेंट सर अगर ऐसे देखिए एक बेसल फंक्शन में एक न्यूमान फंक्शन बने तो। लेकिन जो फंक्शन है वो सीरीज सॉल्यूशन नहीं है, मैंने बोला था अगर आपको ध्यान है। ओके ओके मैक्सिमम वन ही हो सकता है मतलब, तो जब n इंटीजर होगा तो ये वन ही होगा, n जब इंटीजर है, n जब इंटीजर है तो सॉल्यूशन तो दो हैं, एक है फंक्शन और एक न्यूमैन फंक्शन, बट ये फंक्शन नहीं है, ये सीरीज सॉल्यूशन नहीं है न्यूमैन वाला। और n अगर हाफ इंटीजर आता तो क्या आंसर होता सर? दो, तब दो होते जे एन एंड जे माइनस एन, ये दोनों ही सीरीज। सर न्यूमैन वाला सीरीज सॉल्यूशन नहीं है? नहीं। तो मतलब मैक्सिमम इसमें दो ही आंसर आ सकता है, चाहे कोई सही एन की वैल्यू कुछ भी हो। एन का वैल्यू इंटीजर है तो एक सीरीज सॉल्यूशन, एन का वैल्यू हाफ इंटीजर है तो दो सीरीज सॉल्यूशन। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एन का वैल्यू कुछ भी हो मैक्सिमम आंसर इसका दो ही आ सकता है, जैसे इसमें ऑप्शन एक तीन भी है तो तीन नहीं हो सकता है कभी भी। नहीं, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दो ही आएंगे। हाँ मतलब हाँ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दो ही आ सकते हैं एक पॉइंट के अराउंड। नहीं ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना। ओके जनरल, हम जस्ट x इक्वल टू जीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसलिए हम फ्रोबेनियस मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सर ये जो सॉल्यूशन है jn जो आप बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन है ये x इक्वल टू जीरो के अराउंड ही तो है। x इक्वल टू जीरो अराउंड ही है लेकिन ये सिर्फ थोड़ी ना इस पॉइंट के लिए वैलिड है, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सॉल्यूशन जो हमने लिखा है वो x इक्वल टू जीरो के अबाउट लिखा है, मतलब तो जो सीरीज लिखा है, दिस इज वैलिड ऑल वैल्यूज ऑफ x ना। ओके सर, जो जे एन एक्स का सपोज जे वन जे नॉट का एक्सप्रेशन क्या था ये था। हाँ सर इसमें फिर अपन पुट भी करते हैं x बराबर 1 टू पुट करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है हाँ ऑल वैल्यूज ऑफ x भी हो सकता है ना। यस सर, बस ये एक रेंज x बराबर 0 के अबाउट निकाल रहे हैं वो अपन एक पॉइंट ले रहे हैं बाकी होता ऑल वैल्यूज के लिए। ओके सर, सर ये न्यूमैन फंक्शन है ये जीरो पे डिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड होगा? नहीं होता, नॉट डिफाइंड। न्यूमैन फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी बनता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बताइए, जो आपने कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताया उसमें जो सेकंड कंडीशन थी लिमिट एग्जिस्ट वाली, तो उसमें अगर पाथ इंडिपेंडेंट आ जाता है, नहीं अगर पाथ डिपेंडेंट आ जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन करो चूज करते हैं फर्स्ट टाइम में और अगर फिर सेकंड करो लेते हैं हम, जैसे कोई भी ले ली पैराबोला ले ली, तो उससे भी अगर पाथ इंडिपेंडेंट आ जाए तो सर फिर थर्ड भी चूज करनी पड़ेगी हमें या कैसे?
मैंने बोला था जैसे फंक्शन आपका इस टाइप का है, यस सर, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहता है, यस सर, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का जो पावर है, इन दो टर्म का जो पावर है उसको सेम बनाना है, यस सर। इसके लिए हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स इज इक्वल टू सपोज सी वाई स्क्वायर, इससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें दोनों का पावर सेम आ जाएगा, यस सर। तो जो कर्व रिप्लेस करने पे ये सेम पावर आ रहा है उससे जो रिजल्ट आएगा वही 100% सर्टेन रिजल्ट है, बाकियों के लिए चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके सर, मींस अगर इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो हम फर्स्ट टाइम में ही हम ये करो चूज कर लेंगे जिसमें पावर डिनोमिनेटर में सेम बन जाए, चेक करने का टाइम थोड़ा ना मिलेगा हमें। हाँ सर, यही पूछना था, अगर डिनोमिनेटर में तीन टर्म होती जैसे अभी एक्स स्क्वायर वाई की पावर फोर और साथ में और होते जैसे एक्स वाई मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसमें क्या चूज करेंगे जिसमें पावर थ्री भी हो, फोर भी हो, टू भी हो। जैसे मैं थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, यस सर, रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब, सपोज ये है, यस सर, तो z क्यूब का रियल पार्ट होता है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब होता है 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब, ठीक है, यस सर। अब इसमें आप y के बदले, अब इसमें आप नोटिस कीजिए इस टर्म का पावर कितना दिख रहा है आपको, 3 सर, यस सर, और ये जो पार्ट है x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, प्रोडक्ट तो पावर एड करते है ना, यस सर, तो इफेक्टिव पावर इनका क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा 3, तो दोनों का पावर तो सेम है, यस सर, पावर जब सेम होता है तब हम नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन ही यूज करते हैं, यस सर, एक्स का पावर सेम है ना, यस सर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जैसे एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई हुआ तो दोनों का पावर एड कर दीजिए और एड पावर कंपेयर कीजिए, यस सर। और सर मींस ये अगर इमेज हमारा ये डिफाइन ही होता है जैसे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब जेड स्क्वायर या रियल पार्ट ऑफ, उनमें पावर यही आएंगे जो डिफाइन है एक्स स्क्वायर पावर, मतलब डिग्री टाइप से इक्वल हो, ऐसे पावर इक्वल बने हर एक टर्म में, ऐसा कुछ एक बार समझाने में, एक बार बताइए और एक बार पूछिए। सर जैसे हमारा फंक्शन जैसे डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाए x रेस्ट टू पावर 6 प्लस y रेस्ट टू पावर 3 प्लस xy, ऐसा कुछ बन जाए हमारा डिनोमिनेटर में 3 प्लस xy, यस सर। ध्यान रखिएगा फंक्शन आपका ऐसा ही गिवन होगा जिस केस में आपका दो डिफरेंट पावर्स होंगे और एक कर्व से रिप्लेस करने के बाद वो एक दो सेम पावर में चला आएगा, यस सर, लाना पॉसिबल नहीं है। सर मीन्स हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर से उनसे हमें जो भी फंक्शन मिलता है वही प्रेजेंट होगा हमारा टोटल फंक्शन में डिनोमिनेटर में, इसी भी क्वेश्चन में ऑलवेज ध्यान रखिएगा पावर आपका सेम ही आएगा कुछ भी रहे। ओके सर, जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए जैसे जेड ऐसा है, ये रियल पार्ट की बात कर रहे हैं ना हम ऐसे, यस सर, सपोज रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बाई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, यस सर, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें आपको डाउट ये हो रहा होगा कि इसमें तो आपका पावर 3 आएगा, यस सर, और इसमें पावर क्या आएगा, 2 आएगा ना, 2, तो कर्व अकॉर्डिंग चूज करेंगे, कर्व ऑलवेज जो हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए, ओके सर, ठीक है। इसमें क्या चूज करेंगे सर फिर हम, तो जो हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिए सर, इसमें क्या चूज करना पड़ेगा फिर हमें, तो हमारे पास इसमें तो y इक्वल टू mx होगा, ओके सर, बिकॉज़ इसमें x क्यूब आएगा और इसमें क्या आएगा माइनस 3xy स्क्वायर, इसका पावर भी 3 है, यस सर, सेम है। इस केस में क्या करेंगे, इसमें हम चूज करेंगे y इज इक्वल टू cx स्क्वायर, तो ये तो x टू द पावर 6 था ही, ये भी क्या बन जाएगा c स्क्वायर x टू द पावर 6, यस सर। थर्ड पार्ट एक्स वाई जो इसी में प्लस एक्स वाई और रिमेनिंग है वो उसमें क्या होगा, फिर जाएगा x और ये होगा सी एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस सी एक्स क्यूब बेसिकली, यस सर। तो इन तीनों से हम क्या कॉमन लेंगे, कॉमन क्या जा रहा है, x रेज़ टू पावर 3, तो x क्यूब कॉमन लीजिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, बताइए।
सर वो जो आपने एग्जांपल कराया था एफ सेट इक्वल टू रूट ओवर जेड माइनस थ्री, हाँ तो उसमें सर फर्स्ट हमें ये मतलब डिफरेंशिएबल अगर है या ये देखना है तो उससे पहले हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं वो पहले चेक करना होगा। देखिए आसान तरीके जैसे ये फंक्शन इसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर। देखिए आसान तरीका है चेक कर लीजिए ये डेरिवेटिव डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड। इसका अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है हाँ। तो डेरिवेटिव क्या इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड नहीं है। इस केस में लिमिट चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये डिफाइंड चला आता है तब हम लिमिट चेक करेंगे। ठीक है पहले चेक कीजिए डिफाइंड या नॉट डिफाइंड है, ये तो सबसे ज्यादा अच्छा आसान सा कैलकुलेशन है। अच्छा तो मतलब एट z इक्वल टू 3 इफ z इज नॉट डिफरेंशिएबल आपने कहा था तो मतलब उसके लिए मुझे वो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसी से पता चल रहा है कि नॉट डिफाइंड नहीं है तो बिल्कुल डेरिवेटिव जैसे ये मल्टीपल ना फंक्शन के लिए पहले हम डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव से पता चल गया तो अच्छा है, नहीं पता चला तब हम लिमिट की बात करते हैं। अच्छा ओके ओके सर। सो ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।